तो गाइस एक और बार फिर से घर के अंदर हमें निकी की मनमानी देखने को मिली ड्यूटीज को लेकर और कहा कि आज से मैं घर के अंदर कोई भी काम नहीं करूंगी। तो चलिए जानते हैं ऐसा निकी ने क्यों कहा। शुरुआत हुई थी वर्षा से, जहां पर वर्षा सभी घर वालों को ड्यूटीज बांट रही थी। तो सबसे पहले निकी वर्षा को कहती है कि मैं घर वालों की गंदगी साफ नहीं करूंगी और मुझे काम देना है तो सिर्फ किचन का दो। जिसके बाद फिर अरबाज कहता है कि मैं और निकी रात का डिनर बना रहे हैं तो हमें कोई हेल्पिंग हैंड दो। तो फिर वर्षा वैभव और जानवी से पूछती है कि क्या तुम निकी की मदद करोगे। तो वैभव और जानवी दोनों ही साफ साफ मना कर देते हैं कि जिस काम में निकी होगी वो काम हम नहीं करेंगे। जिसके बाद फिर निकी भी कहती है कि ठीक है, अगर कोई मेरी मदद नहीं कर रहा ना तो इस हफ्ते मैं काम ही नहीं करूंगी। जिसके बाद फिर अंकिता कन्विंस हो जाती है कि ठीक है, निकी की मदद मैं करूंगी। तो इस बात पर डीपी काफी गुस्सा हो जाता है और फिर आर्या अंकिता और वैभव को गुस्सा करता है और कहता है तुम लोग क्यों निकी के ऊपर का काम कर रहे हो, तुम लोग को तो उसे समझाना चाहिए कि अपनी ड्यूटीज करे। गाइस आपको बता दे कि इस पूरे मुद्दे पर सारा घर निकी के अगेंस्ट था, मगर फिर भी निकी अपने फैसले पर कायम थी और कह रही थी कि मैं ड्यूटीज नहीं करूंगी। और इस पूरे मुद्दे में अरबाज को देखकर तो ये समझ में आ रहा था कि वो निकी की चमचागिरी कर रहा है। इसके बाद फिर घर वाले कहते हैं कि ठीक है, अगर तू ड्यूटीज नहीं करेगी तो हम तुझे खाना भी नहीं देंगे। तो अब देखना ये होगा कि आगे ये मुद्दा कितना छिड़ता है, क्या निकी को आगे खाना मिल पाएगा। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइए।